स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरेशन टू फिजिक्स। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह जो है सिमुलेटर को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं वेव लेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी हीलियम नियोन लेज़र हम आज यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वेव लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और कि हमारे पास अगर इंस्ट्रूमेंट ना हो तो जनरली एक वेबसाइट है जहाँ से हम ये काम कर सकते हैं। तो इनिशियली आपने क्या करना है, एक रूम को ओपन करना है और आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे आप चले गए और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग अमृता वी लैब, या फिर आप सिंपली अमृता वी लैब लिख लें। ठीक है, अमृता वी लैब ये एक इंडियन साइट है, यहाँ से आपको जो है इजीली आप कोई भी सिमुलेटर यूज़ करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएंगे तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फिजिकल साइंसेज आपको नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिजिकल साइंसेज में आने के बाद यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल साइंसेज आपके पास गिवन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आप नीचे आते हुए आप आ जाएंगे लेज़र ऑप्टिक्स में, क्योंकि हमारा जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है वो लेज़र ऑप्टिक्स विचुअल लैब से लिंक है। तो यहाँ पे हमने चूंकि एक ये है हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर, हम जिससे हम इंडेक्स ऑफ ग्लास प्लेट फाइंड कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। लेकिन हमने क्या करना है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर की मदद से वेव लेंथ ऑफ लेज़र बीम फाइंड करनी है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, इसकी ईएम ऑपरेटर्स थी, ओवरऑल ये सारा इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है। हमने क्या करना है, इसकी सिमुलेशन को यूज़ करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सिमुलेटर पे और आप फ्री साइन अप हो सकते हैं अपनी ईमेल और आईडी के साथ। ठीक है, तो लॉग इन आप तब करेंगे जब आप यहाँ पर साइन अप होंगे। मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ क्योंकि मैं साइन अप हूँ। तो जब मैं अपनी जो है ईमेल आईडी यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है सिमुलेटर इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आपके पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर से रिलेटेड सिमुलेटर नज़र आ रहा है। आप सिमुलेटर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सिमुलेटर जो है ये जूम हो गई है। अच्छा जी, हम कौन सा लेज़र यूज़ करें, हीलियम नियॉन लेज़र। हम अपने हीलियम नियॉन लेज़र पर क्लिक करके यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका हीलियम नियॉन लेज़र सेलेक्ट हो गया एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आपने क्या काम करना है स्टूडेंट, आपने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे लेज़र को पावर ऑन कर देना है। तो जब आप लेज़र को पावर ऑन करेंगे तो ये एडजस्ट मिरर का ऑप्शन जो है आपका सामने आ जाएगा, और अब आपने मिरर को एडजस्ट करना है ताकि आपको यहाँ पर जो फ्रिंजेस हैं वो प्रॉपर पैटर्न नज़र आए। अब यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स कि जो मैकेनिज्म है वहीं माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था एग्जैक्टली वही है। हमारे पास मूवेबल मिरर है, ठीक है, हमारे पास फिक्स मिरर है, और ये सेंट्रल बीम स्प्लिटर है, और इसके बाद ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। ठीक है, और ये लेज़र सोर्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने मिरर को एडजस्ट करना है। जब आप मिरर को एडजस्ट करेंगे जहाँ पे आपको प्रॉपर पैटर्न नज़र आएगा वहाँ पे इसको आप फिक्स कर देंगे। ये देखें, ये प्रॉपर पैटर्न है, ये आप मिरर एडजस्ट हो गया। अब आपने क्या काम करना है, माइक्रोमीटर से एडजस्ट माइक्रोमीटर वहाँ से आपने रीडिंग लेनी है। अच्छा, माइक्रोमीटर जो है आपका स्टूडेंट्स ये यूज़ होता है, यहाँ से आप रीडिंग को, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर स्क्रू की रीडिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब स्क्रू में आपको पता है जिस तरह माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है उसके ऊपर दो स्केल होते हैं, एक सर्कुलर स्केल है और एक लीनियर स्केल है। ठीक है, तो याद रखें स्टूडेंट्स, जो सर्कुलर स्केल के ऊपर रीडिंग होगी उसको हम कहते हैं PSR, और जो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग होगी उसको हम नोट करेंगे HSR। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने मिरर को जब हम एडजस्ट करते हैं तो आप देखते हैं जैसे मैं मिरर को एडजस्ट करता हूँ तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न है ये वाला, ये चेंज होता है। ठीक है, ये पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आपका जो मेन काम है वो ये है कि आपने कोई भी पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। से मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ इसको 5 पे, ठीक है, बल्कि कोई और पैटर्न लेते हैं, इसको मैं रख लेता हूँ 5.5 पे। ठीक है, इनिशियली मेरी रीडिंग क्या है, 5.5, ये यहाँ पे रख लें। अगर मैं इसको 5.5 पे एडजस्ट करता हूँ तो मुझे ये पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक है,
इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक सर्कल है स्मॉल और उसके अंदर ब्लैक स्पॉट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न आप नोट करेंगे और फिर आप स्क्रू को मूव करना शुरू कर देंगे। आपने क्या करना है, 20 फ्रिंजेस के लिए आपने टाइम जो है सॉरी आपने नोट करना है, 20 फ्रिंजेस के लिए आपने यहाँ पे रीडिंग नोट करनी है, ठीक है। ये पैटर्न आपने सेलेक्ट किया इन केस, तो आप क्या करेंगे, एडजस्ट स्क्रू का ऑप्शन आप फर्दर मूव करेंगे तो ये दोबारा जब आएगा आपका तो आपकी एक काउंट कंप्लीट होगा। तो अभी हमारा ये है सेम है, ये वाला पैटर्न ले लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। आप कोई भी पैटर्न ले सकते हैं, ये वाला पैटर्न ले लें, ठीक है, ये ज़्यादा इजी है। तो अगर आप ये वाला पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, रीडिंग एग्जैक्ट आप 5.5 ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो अब आपने यहाँ से काउंट करना है, 5.5 आपकी रीडिंग है से, और 5.5 पे आपने जो PSR है वो कितनी आ रही है, यानी यहाँ से आप अगर देखें तो आपकी जो मेन स्केल पे रीडिंग है वो तो 5.5 आ रही है, जबकि सर्कुलर स्केल पे आपकी रीडिंग क्या आ रही है, 45 आ रही है, ठीक है। अब इसको आप फर्दर आगे मूव करेंगे और यही पैटर्न के लिए आप 20 फ्रिंजेस काउंट करेंगे। बहुत ऑब्जर्व करना है कीनली आपने और इजी ओके, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। तो ये आपका आ जाता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो आपने देखा स्टूडेंट्स आपके 20 रीडिंग जो है ये 20 काउंट्स आपने एन आपने क्या लिया 20, और इसके लिए आपकी रीडिंग जो है एग्जैक्टली ये आपकी मेन स्केल के ऊपर तो 5.5 से कुछ आगे हो गई है, ठीक है। तो उससे आप इसको ले लें कि ये आपकी है जी 5.5 ही ले लें, ठीक है। और सर्कुलर स्केल के ऊपर अगर आप रीडिंग देखें तो वो आपकी क्या है, ये है आपकी स्टूडेंट 8, ठीक है। पहले रीडिंग क्या थी, पहले रीडिंग थी 5.5 और 45, अब क्या है आपकी रीडिंग 5.5 और 8, ठीक है। इसी तरह आप एक और रीडिंग भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कितनी रीडिंग ले सकते हैं, 5 से 6 रीडिंग आप इसी तरह लें 20 काउंट्स के लिए स्टूडेंट्स। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने ये रीडिंग ले ली है, अब आपने आना है टेबल पे, ठीक है। तो हम टेबल पे आते हैं, उसके लिए हम बैक करेंगे, ये क्लिक करेंगे, ठीक है। जब ये क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे नीचे टेबल। तो ये देखें, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव लेंथ, इनिशियली हमने PSR पे रीडिंग क्या ली थी और HSR पे क्या ली थी वो हम नोट करेंगे। PSR पे हमारी रीडिंग इनिशियली थी 45, ठीक है, और HSR पे हमारी रीडिंग क्या थी मेन स्केल के ऊपर, वो थी हमारी PSR पे हमारी रीडिंग थी 5.5 स्टूडेंट, ये 5.5 थी PSR पे मेन स्केल की रीडिंग। और HSR पे हमारी जो रीडिंग होती है ये मेन स्केल की होती है, लास्ट टाइम मैंने जो बताया उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट्स कर लें। PSR हमारी मेन स्केल के लिए होती है और HSR जो होती है ये वन ईयर स्केल के लिए होती है, ठीक है, सर्कुलर स्केल के लिए। और ये हमारी कितनी आई थी स्टूडेंट, ये हमारी आई थी 45। और उसके बाद जब हमने दोबारा रीडिंग नोट की तो उससे हमारी 5.5 ही है और उसके लिए हमारा आ रहा है यहाँ पे सर्कुलर स्केल के ऊपर यानी HSR 8, ठीक हो गया। और ये जो डिस्टेंस है ये आपका ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा, यानी 5.5 और 45 ये जो डिस्टेंस मिलीमीटर में है ये आप खुद बहुत फाइंड हो जाएगा जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, यानी 5.95 में से जब आप 5.5 माइनस करते हैं तो ये स्टूडेंट्स आप इजीली कर लेंगे,
यानी आपने क्या करना है 5.95 माइनस 5.5, तो ये आता है 0.45। ये वाली रीडिंग आप किया जाती है 0.45। और इसके बाद जो अगली रीडिंग है 5.58 में से आप क्या माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, आप 5.5 माइनस करेंगे। जब आप ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.08, दिस वुड बी 0.08। ठीक है, तो इस तरह आप और भी रीडिंग्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 6 पे एक रीडिंग ले रहे हैं, 6 पे आप रीडिंग लेते हैं तो फॉर एग्जांपल ये आपकी आ जाती है, मैं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये 15 आ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए भी इसी तरह आप ये आ जाती है 6.15, तो आप क्या करेंगे माइनस करेंगे इसी तरह 6.15 में से माइनस करेंगे 6 को, तो ये आ जाएगा 0.15। इसी तरह अपने स्टूडेंट्स 5 रीडिंग लेनी है। ठीक है, 3 मैं ले चुका हूँ, 5 आपने लेनी है। जब आप ये फाइंड कर लेंगे ये रीडिंग, ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सब का मीन फाइंड करना है। ये जो वैल्यूज है ना डेल्टा डी, इसका मीन फाइंड करें। तो मीन फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, सबको ऐड करें, 0.45 प्लस 0.08 प्लस 0.15, इन सबको ऐड कर दिया तो ये आएगा 0.68। फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, किससे, कितनी वैल्यूज है टोटल 3, तो आपने 5 लेनी है। ठीक है, मैं 3 ले रहा हूँ, जब आप डिवाइड करेंगे आएगा 0.22। ठीक हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिख लें 0.22, ये आपकी आ गई है रीडिंग। और एन आपने कितना लिया था, से आपने एन 20 लिया था। ठीक है, जब आप एन 20 लेंगे तो यू विल सी दैट कि आपका जो आंसर है इनिशियली इन्फिनिटी आ रहा है, नो इन्फिनिटी नहीं आ रहा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये लगभग 2200 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देख लें कि ये रिजल्ट जो है, मैंने जस्ट 3 रीडिंग ली है, ठीक है, तो इसके लिए मेरा आंसर जो है 2200 आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज एक स्टूडेंट बात याद रखें, ये जो रीडिंग है यहाँ पे मीटर में नहीं होती, ये एंगस्ट्रम में होती है। ठीक है, एंगस्ट्रम आपको पता है ना, 10^-10 होता है मीटर। तो आपका आंसर जो है वैसे जनरली क्या आना चाहिए था, आंसर आपका आना चाहिए था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपका आंसर आना चाहिए था, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है आपका शो रिजल्ट। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे देखें, ये आपकी वेवलेंथ ऑफ सोर्स आनी चाहिए 5.5430 एंगस्ट्रम, ये आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे देखें, बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, ये 2200 एंगस्ट्रम हमारा आ रहा है, परसेंटेज एरर बहुत ज़्यादा है। परसेंटेज एरर का फार्मूला मैंने नोट्स में रिसेंटली पिछले लेक्चर में दिया हुआ है फाइंड करने का, तो परसेंटेज एरर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने जस्ट 3 रीडिंग्स ली हैं। और एक और बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप यहाँ पे काउंट करते हैं तो आपका पैटर्न कोई भी आप फिक्स रखेंगे, ये वाला फॉर एग्जाम्पल आपने रखा हुआ है, तो इसी पैटर्न को आपने नोट करना है जब आप अपने एडजस्ट क्यू को मूव करेंगे। अगर आपने इसको मूव करते हुए कोई और पैटर्न के लिए काउंट किया, यानी एन आपका डिफरेंट आया, तो माइनस ही चेंज की वजह से भी आपकी रीडिंग जो है वो ठीक नहीं आएगी। आपकी रीडिंग राउंड अबाउट आपके इस रिजल्ट के करीब तरीन आनी चाहिए 5430 एंगस्ट्रम। तो आप 5 रीडिंग लेंगे, इसको आप परफॉर्म करेंगे, ये अगर मैं इसको कम्प्लीटली परफॉर्म कर देता तो फिर आपके सीखने के लिए इतना ज़्यादा नहीं होता। आप इसको ख़ुद परफॉर्म करें और इसका रिज़ल्ट प्रॉपरली जो है वो चेक करें, और हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।